अस्सलाम वालेकुम सबको, एडवांस में ईद मुबारक। इस ईद पर आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर तोहफे लें, प्यारे प्यारे तोहफे लें, कुरान की ट्रांसलेशन लें, उनके लिए ऐसी चीज़ें लें जिससे वो कुछ सीख सकते हों, उनके लिए ऐसी चीज़ें लें जिसकी वजह से वो आपको याद रखें। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ ना लें जैसे चाकू, तलवार, छुरी, पिस्तौल, गन्स, वाटर गन, जिसकी वजह से उनके जहन में ख्याल आए कि कोई भी डिस्ट्रक्शन क्रिएट की जा सकती है। एक इंसान को मार देना सारी दुनिया को इंसानों को मार देने के बराबर है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम किसी की तरफ पॉइंट भी करते हैं पिस्तौल को, तो मैं समझता हूँ कि ये भी दूसरा जो इंसान है वो भी इंसान है, सिर्फ उसके दिमाग के अंदर कुछ प्रोग्रामिंग फ़र्क है, कुछ आइडियाज़ फ़र्क हैं, कुछ बिलीव्स फ़र्क हैं। और उसके लिए जो आप चीज़ दे सकते हैं अपने बच्चों को वो है एक अच्छा डायलॉग, उनकी कम्युनिकेशन के स्किल, उनको वो ताकत कि वो अपने आइडिया को दूसरों को समझा सकें और आप उनके आइडियाज़ को सुन सकें, जाके दोनों मिलकर आगे जा सकें। अगर आप और भी कोई तोहफा देना चाहते हैं तो उनको एक अच्छी सी वीडियो, अच्छा सा यूट्यूब का चैनल, अच्छा सा फेसबुक का पेज, इसके ऊपर वो दुनिया को वो चीज़ें सिखा सकते हैं जो आपको सही लगती हैं। और इसको इस वेपन बनाइए, अपनी आवाज़ को, अपने आइडियाज़ को वो वेपन बनाइए जिससे दुनिया में खूबसूरती पैदा हो सकती हो। शुक्रिया, बहुत 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 प्यार। अस्सलाम वालेकुम।